शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। यदि वो बारह आदित्य को एकत्रित कर सकते हैं तो मैं ब्रह्मांड में चारों ओर फैले आसुरी शक्ति को एकत्रित करूंगा और बारह आदित्यों के आने से पूर्व वनवासी और उसकी सेना का विनाश करूंगा। विनाश करूंगा मैं। ये दानवीय ज्वालाएं देखिए प्रभु, प्रतीत हो रहा शतानन कुछ अति भयंकर करने को है। प्रभु, उधर शतानन के भवन में कुछ विशेष हलचल हो रही है। प्रतीत हो रहा है ये राक्षस बारह आदित्यों तक प्रतीक्षा नहीं करने वाला। इसके पूर्व ही ये यहाँ आतंक फैलाए या हनुमान जी को यहाँ आने में विलंब हो जाए। आप ब्रह्मास्त्र का संधान कीजिए और समाप्त कर दीजिए इस महाराक्षस को। दुष्ट राक्षसों की प्रवृत्ति नहीं होती शांत बैठने की। शतानन कोई अनिष्ट करे, उसके पूर्व ही मुझे समस्त लोकों को पार कर अंतिम यानी सप्तम लोक से शतानन के वध का अस्त्र प्राप्त कर मुझे शीघ्र लौटना होगा। तृतीय अर्थात सूतल लोक में तो बिना अनुमति के प्रवेश करना ही वर्जित है और तुम इसे शीघ्र पार करने के बारे में सोच रहे हो वानर। द्वार पर तो कोई रक्षक नहीं दिखाई दे रहा है और ये मयासुर कह रहा है कि बिना अनुमति के प्रवेश ही नहीं कर सकते। कहीं ये मुझे विलंब कराने के लिए छल तो नहीं कर रहा है। इस वानर को ये कदाचित ज्ञात नहीं है, इस लोक की रक्षा स्वयं नारायण करते हैं और यदि वो वनवासी नारायण अवतार है, ये उसका भक्त एक प्रकार से नारायण भक्त ही हुआ। अब भक्त और नारायण के मध्य होने वाले विवाद को देखने में अत्यंत प्रसन्नता होगी। इस वानर की मूर्खता के कारण मुझे भी पीड़ित होना पड़ रहा है। मूर्खता मत करो वानर, सूतल लोक में प्रवेश ही नहीं कर पाओगे तो पार कैसे करोगे इसे। प्रभु कृपा से जब दो लोग पार कर लिए तो इसे भी पार कर जाऊंगा। कोई अदृश्य शक्ति द्वार की रक्षा कर रही है, मुझे प्रवेश करने के लिए निवेदन करना चाहिए। हे अदृश्य द्वारपाल, आप जो भी हैं मुझे सूतल लोक में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करें, ये मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। कोई उत्तर नहीं, मेरे लिए तनिक भी विलंब करना अनुचित होगा। देखिए, मैं यहां किसी दुर्भावना से नहीं आया, अतः आप मुझे मत रोकिए। आप जो भी हैं मुझे दर्शन दीजिए और मेरी प्रार्थना सुनिए।
पुनः प्रयास करता हूं। तो कोई विचित्र ही दिव्य शक्ति प्रतीत हो रही है, किंतु मैं समय व्यर्थ नहीं कर सकता। मुझे अविलंब ही यहां से निकलना होगा। सखा, हनुमान की पूछ से कुछ समय के लिए राहत तो अवश्य मिल गई मुझे, किंतु मैं इसके पश्चात भी यहाँ से पलायन नहीं कर सकता, क्योंकि सूतल लोक में मेरी माया कार्य नहीं करेगी। तुम असफल ही होने वाले हो वानर। वैसे भक्त और भगवान की इस क्रीड़ा में आनंद आ रहा है। देखता हूँ कौन विजयी होता है। मेरी विनती स्वीकार करें, मुझे प्रवेश करना अति आवश्यक है, अन्यथा मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। समय निकला जा रहा है वानर, जो करना है शीघ्र करो, अन्यथा वहां तुम्हारे प्रभु और उनकी सेना संकट में पड़ जाएगी। आप जो भी हैं, मुझे बल का प्रयोग करने के लिए विवश कर रहे हैं। नहीं नहीं, न जाने क्यों इन पर गदा प्रहार करने से मेरा अंतर्मन मुझे रोक रहा है, किंतु सूतल लोक में प्रवेश करने से मैं स्वयं को रोक नहीं सकता। चरण, इसका स्पर्श कुछ परिचित सा प्रतीत हो रहा है, किंतु अभी इसके लिए मैं समय नष्ट नहीं कर सकता। ये क्या माया है? आपकी ये ऊंचाई, ये विशाल आकार इस बात का प्रमाण है कि आप कोई साधारण द्वारपाल नहीं हैं, किंतु मैं भीतर जाने के लिए बार बार प्रयास करता रहूंगा। अपनी पराजय स्वीकार कर लो वानर और लौट चलो यहां से। ये अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति है, मुझे शीघ्र ही कुछ करके इन्हें मनाना होगा, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। प्रभु, विलंब करना उचित नहीं। ब्रह्मास्त्र चलाकर समाप्त कर दीजिए शतानन को। देखिए काका सुग्रीव एवं नल नील की कैसी दुर्दशा की है उस राक्षस ने।
उसके प्रतिरूप भी बड़े एवं शक्तिशाली होते जा रहे हैं। वो कभी भी गुम्बद ध्वस्त कर बाहर आ सकते हैं। अंगद, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मांड में महाविनाश मच सकता है, इसलिए उसका प्रयोग अनुचित होगा। किंतु इस राक्षस के विनाश के लिए एक अन्य विकल्प भी है मेरे पास। यमास्त्र। ये वनवासी तो यमास्त्र का प्रयोग कर रहा है। चरण रज आप अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष हैं, कृपया मुझे अपने दर्शन दीजिए, मुझे भीतर प्रविष्ट होने की अनुमति दीजिए। बिना राजाज्ञा के यहां से आगे कोई नहीं जा सकता है वानर श्रेष्ठ हनुमान। जब आप मेरे नाम से परिचित हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं प्रभु श्री राम का काज करने के लिए यहां पर आया हूं। मैंने उन्हें कार्य पूर्ण करके ही लौटने का वचन दिया है। मैंने भी राजा बलि को यहाँ के द्वार की सुरक्षा का वचन दिया है। अब से कल्पान तक आप पाताल स्थित सुतल लोक के राजा रहे। मैं स्वयं आपके राज्य की सदा रक्षा करूंगा। अंततः मैं मंदबुद्धि वानर ही सिद्ध हो गया। इतने विलंब के पश्चात जान पाया कि मेरे प्रभु श्री राम जिनके अवतार हैं, आप वही प्रभु श्री विष्णु हैं। आपके चरण स्पर्श करके मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। कहीं ये पुनः अपनी भक्ति के बल पर सफल ना हो जाए। प्रभु, आपकी चरण धूलि तो मुझे प्राप्त हो गई, किंतु अभी आपके दर्शन तो अपूर्ण हैं। अपने निज दर्शन देकर इस भक्त को कृतार्थ कीजिए प्रभु। इतने सुमधुर स्वर में आप मेरे प्रभु का स्तुति गान कर रहे थे, जैसे साक्षात माता सरस्वती विराज रही हो आपके कंठ में। अपना परिचय दीजिए वानर श्रेष्ठ। प्रणाम महाराज बलि, मैं प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सेवक हनुमान हूं। मैं प्रभु श्री राम के काज के लिए ही यहां आया हूं। प्रभु श्री राम के सेवक वानर श्रेष्ठ हनुमान, कहिए किस कार्य हेतु आए हैं आप? मुझे
सप्तम लोक तक पहुंचकर महाराक्षस शतानन के वध का अस्त्र प्राप्त करना है। इसके लिए तो आपको धरती के गर्भ में स्थित सप्तम लोक में पहुंचकर स्वयं नागराज वासुकी से उस अस्त्र को प्राप्त करना होगा, और नागराज वासुकी को मनाना अत्यंत कठिन है। आप बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हैं हनुमान। महाराज बलि, मेरे प्रभु श्री राम का नाम मेरी प्रत्येक कठिनाई को सुगम बना देता है। आप तो मुझे यहां से अगले लोक में जाने की अनुमति एवं मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। सखा, तो मैं अब आपको स्वयं यहाँ के निकास द्वार तक ले चलता हूँ, किंतु उसके पश्चात इस मयासुर को अच्छी तरह बांध कर रखिएगा, क्योंकि अगला लोक इन्हीं का है और इनके लोक में इनकी माया असीमित रूप से बढ़ जाएगी। आपको पूर्ण रूप से सतर्क रहना होगा हनुमान। महाराज बलि, आपका बहुत आभार। नारायण। हनुमान, ये सुरंग आपको चतुर्थ लोक के तल तक ले जाएगी। धन्यवाद महाराज बलि, आपको प्रणाम। मेरे पांव किसी चिपचिपे पदार्थ में जकड़ गए हैं। वानर, मेरे इस तलातल लोक में तुम्हारा स्वागत है। तलातल लोक अर्थात मेरा लोक। आश्चर्य हो रहा है कि मैं तुम्हारे बंधन से कैसे मुक्त हुआ। ये मेरा लोक है वानर, मेरा लोक। यहां कोई मुझे बंदी नहीं बना सकता। यहां मैं बंदी बनाता हूं। मैं मार्ग में परिस्थितियों कभी भी विपरीत हो सकती हैं, किंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार अपने विवेक का प्रयोग कर उसका सामना करता है। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।